नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल शिवागो.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, सिंह लग्न के जातकों को कौन कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए। मैं ग्रहों के प्लेसमेंट के हिसाब से ही बताऊँगा, आप अपने एस्ट्रोलॉजर से ही पूछ सकते हैं, उसके बाद ही आप रुद्राक्ष पहने। वैसे तो रुद्राक्ष नुकसान नहीं करता है, और रुद्राक्ष जब भी लें, लैब सर्टिफाइड लें, ऑथेंटिक लें, जेन्यून लें। शिवागो.com पे आपको ये मिल जाएगा, जेन्यून, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड। और रुद्राक्ष जब भी लें, थोड़ा सा बड़े साइज का लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम इसमें खास करके आपको एक मुखी और दो मुखी बारे में बताना चाहेंगे। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, रामेश्वरम का भी होता है, नेपाल का मिलना दुर्लभ है। नेपाल का रुद्राक्ष आप सब्स्टिट्यूट के तौर पे पहनना चाहते हैं एक मुखी का, तो अंधमुखी पहन सकते हैं जिसका कोई मुख नहीं होता है, सवार रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और आजकल अंडर डेवलप्ड रुद्राक्ष होता है जिसमें एक ही धारी डेवलप होता है, उसका भी इफेक्ट अच्छा ही होता है, आप वो भी धारण कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, प्रत्येक लग्न के लिए एक ऐसा कारक ग्रह होता है, योग कारक होता है, जो शुभ फलदायी होता है। और यदि वो ग्रह बलवान है और उसमें कोई दोष नहीं हो, पाप ग्रह का प्रभाव नहीं हो, तो एक इकलौता ग्रह आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचा देगा। उसका रत्न धारण करना शुभ फलदायी होता है, चमत्कारी प्रभाव देता है। परंतु यदि अशुभ भाव में, अशुभ ग्रहों के प्रभाव से ग्रस्त है, तो उसके शुभ प्रभाव को इफेक्टिव होने के लिए और अशुभता को नष्ट करने के लिए रुद्राक्ष धारण किया जाता है। तो सिंह लग्न की हम बात कर रहे हैं। सिंह लग्न के लिए सूर्य और मंगल योग कारक है, अतः इनके लिए माणिक्य और मूंगा धारण करते हैं। पर माणिक्य और मूंगा आप जब भी पहने, एस्ट्रोलॉजर से पूछ के पहने। अब अष्टमेश गुरु, द्वादशेश चंद्रमा तथा अकारक शनि, बुध और शुक्र के लिए 5, 2, 7, 4 और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ होता है। अब जैसे दो मुखी है, तो दो मुखी भी आपका जो मिलता है, यहाँ रामेश्वरम का भी होता है, हमारे इंडिया का भी होता है जिसे हिमालयन कहते हैं, और नेपाल का भी होता है। नेपाल का इफेक्ट काफ़ी अच्छा होता है, नो डाउट एक्सपेंसिव होता है। तो अगेन यहाँ पे लैब की आवश्यकता पड़ जाती है कि भाई किस ऑरिजिन का है, ताकि दुकानदार पे भरोसा करने के बजाय मैं कहूँगा कि आप लैब पे भरोसा कीजिए। यदि सूर्य और मंगल अशुभ भाव में स्थित हो, तो इनके लिए एक मुखी और तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।